दोस्तों, पिछले कई दिनों से ऑयल के प्राइसेस को लेकर के एक बवाल मचा पड़ा है पूरी कंट्री में। हर जगह हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस, खासकर पेट्रोल, तो 100 क्रॉस भी कर गया कई जगह और नियर अबाउट 100 भी है कई जगह। इसको लेकर के पूरी कंट्री में बवाल मचा पड़ा है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब दोस्तों बेसिक ऑयल के रेट्स बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और कई चीज़ों के रेट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन एकदम से आ गया, महंगाई आ गई। लेकिन दोस्तों, इस ऑयल के प्राइस बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं कारणों में से एक कारण के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन ले रही है और क्या एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका लाइफ इज ये चैनल पर स्वागत करता हूँ। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ऑयल प्राइस के बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता है गवर्नमेंट के टैक्सेस। हर किसी की नज़र उसी पे जाती है कि यार, गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगा रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस पर टैक्स लगा रही है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, क्रूड ऑयल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है, वो किस रेट पे कर रही है। उसको अगर सस्ता इंपोर्ट कर रही है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके वो सस्ते में बेच सकती है। अगर वो इंपोर्ट ही महंगा कर रही है तो उसको रिफाइन करके ऑब्वियसली उसको महंगा ही बेचेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, कोरोना के टाइम पर जो कोरोना स्टार्ट हुआ, खासकर मार्च 2020 में जब कोरोना का फ्लो एकदम से बढ़ा, तो हर कंट्री में लॉकडाउन लगा, एकदम से सारी इकोनॉमीज रुक गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। और ऑब्वियसली जब इकोनॉमी रुकेगी या लोगों का आना जाना रुकेगा तो ऑयल का कंज्यूमशन अपने आप डाउन हो जाएगा। जैसे इंडिया में आपने देखा कि भाई, लोग कहीं नहीं जा रहे, लोग घर में बैठे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो ऑयल का कंज्यूमशन एकदम से बंद हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों, जो ये कंट्रीज़ हैं जिनको हम ओपेक कंट्रीज़ कहते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है, खासकर जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, दुबई, यूएई हो गया, कई कंट्रीज़ जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, नेचुरल गैसेस इंपोर्ट करती हैं, उन पर एकदम से प्रेशर आ गया। क्योंकि उन लोगों का मेन रेवेन्यू किस चीज़ से, उन लोगों का मेन रेवेन्यू है ऑयल से, और उनके पास और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको ट्रेड करें। हालाँकि कई चीज़ें हैं जैसे टूरिज़्म है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर तो टूरिज़्म बंद था। तो दोस्तों, इनका मेन रेवेन्यू जो होता है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, वो ऑयल एक्सपोर्ट होता है। मतलब ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, या नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, ओपेक की एक ऐसी ही कंट्री है जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था। दोस्तों, इंडिया के इंपोर्ट में वो कंट्री या तो नंबर वन रहती थी या नंबर टू रहती थी, जिससे इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। दोस्तों, वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से इंडिया ने वादा किया था जब मार्च में 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था, कि भाई हम आपसे ऑयल खरीदेंगे और एक स्टेबल रेट पे खरीदेंगे, चाहे आप मार्केट में, वर्ल्ड में रेट कितना भी डाउन हो जाए, लेकिन अब एक फिक्स रेट पे आपसे ऑयल खरीदेंगे। लेकिन आप वादा करिए कि नियर फ्यूचर जब कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, तो आप एकदम से ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, या धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, या कांस्टेंट रखेंगे। और सऊदी अरेबिया इस पे एग्री भी हुआ। तो दोस्तों, जैसे ही पेंडेमिक थोड़ा सा कंट्रोल में आया, तो इन ओपेक कंट्रीज़ ने क्या किया, प्रोडक्शन एकदम से डाउन कर दिया ताकि वो प्राइसेस को बढ़ा सके। क्योंकि ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, और ओपेक कंट्रीज़ ने भी यही किया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया को बोला कि भाई, हमारी ऐसी डील हुई थी और आप ऐसा ना करिए, आप एक स्टेबल प्राइस रखिए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए ताकि प्राइस थोड़ा सा डाउन आए और इंडिया में भी हम तेल सस्ते में बेच पाएँ, आपसे अगर सस्ता खरीदेंगे तभी सस्ता हम बेचेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने दुहाई दी ओपेक कमेटी की कि भाई, ओपेक के हम मेम्बर हैं, ग्रुप के, हम ऐसा नहीं कर सकते, बाकी कंट्रियाँ एग्री नहीं हो रही हैं। अब दोस्तों, इससे ये नहीं कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया को मना कर दिया तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन ख़राब हो गए। सऊदी और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और ये जो ऑयल से रिलेटेड जो इशू है, ये कि ट्रेड इशू है। दोस्तों, व्यापार अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है। बहुत प्रोफेशनली ये लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के इस डिसीजन से इंडिया को कुछ खास बुरा नहीं लगा। हालांकि ट्रेड रिलेटेड मैटर है तो इंडिया को उस मैटर पे बुरा लगा, बाकी रिलेशन उनके एक जैसे हैं। अब इसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सऊदी अरेबिया को मनाया, सऊदी अरेबिया नहीं माना। तो इंडिया ने इसको टैक्टिकली हैंडल किया, स्ट्रेटेजिकली हैंडल कैसे किया, इंडिया ने अमेरिका से इम्पोर्ट बढ़ा दिया। जो अमेरिका कभी इंडिया की लिस्ट में चौथे या पाँचवें नंबर पर आता था, जिससे इंडिया इम्पोर्ट करता था इम्पोर्ट कंट्रीज़ में, वो कंट्री एकदम से सेकंड नंबर पे आ गई। फर्स्ट पे तो हम इराक से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इराक नंबर वन पे आता है। और दोस्तों, जो कंट्री सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पे आती थी, वो खिसक करके चौथे नंबर पे आ गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, एक इनिशिएटिव लिया कि जिससे ऑयल के प्राइसेस कम हो। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को और भी एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे प्राइस कम हो, खासकर जो टैक्स रेट्स हैं उसको कम करना पड़ेगा, और भी डायनेमिक तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई, क्रूड ऑयल के प्राइस तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एंसिलरी एक्सपेंसेस हैं क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में, या और भी टैक्सेस हैं, आप उसको कम करिए, तभी फाइनली जो पब्लिक है उसको तेल सस्ता मिलेगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।